मैं इसीलिए यहां पर आया हूं कि जो राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो मैं हर स्टेट में जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स होती है उस हर स्टेट में मैं जाकर अपनी बात रखने की कोशिश किया हूं। और राहुल जी को जो आज लोक स्पंदन मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो गई है। मेरी पार्टी 2024 में जरूर जीतेगी, ये मेरा इससे महसूस होता है। और लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो इससे भी मालूम होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और इसके कारणकर्ता राहुल जी है। खासकर युवा, महिलाएं, विद्यार्थी, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग, किसान, मजदूर, सब लोग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म धर्म में झगड़ा लड़ रहा है, बांट रही है, और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, हर नमूने से ये लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो राहुल जी की ये यात्रा कैसी जोड़ रही है, तो एक मखदूम मोहिद्दीन, जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, उन्होंने एक बात कही थी, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। तो सारे जमाना को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, सारे लोगों को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेना, आपसे आपको मिलना, आपका दर्शन लेना, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो ये हमारा जो सारे जमाने को लोगों को साथ लेकर चलना, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जब कभी भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बीजेपी वालों को क्या होता मुझे मालूम नहीं। वो हमेशा हर बात को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राहुल जी चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तब उन्होंने ऐसा उठाया सवाल, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के होम मिनिस्टर, सभी लोग, कि उन्होंने ये शुरू किया कि राहुल जी देश तोड़ने का और देशभक्ति का, उन्होंने उनके पास देशभक्ति के लिए और जवानों के लिए कोई उनके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए, और वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने। ये बीजेपी का कहना है, लेकिन राहुल जी ये कहें कि भाई आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन सरहद पे आज जो यहां पर ताइवान पे, वहां पर जो हमारे जवानों से और चीनियों से झटपट हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया।
इससे पहले भी गलवान में क्या हुआ उन्होंने पहले भी बताया था, डोकलाम में क्या हुआ था उन्होंने बताया था। हर जगह हमेशा जो ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आंख खोलकर यानी हमको कोई डरा नहीं सकता और हम इतने मजबूत हैं कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और आप तो पहले यही बोले अगर कोई आंख उठा के देखा तो उसको हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा फिर रोज? गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा, ये सारी चीजें चल रही है। फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले, मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए एक पेज की और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए, ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो, आप क्यों छुपा रहे हो, तो यही पूछ रहे थे। लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज है उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं।
और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो ये कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है। सभी लोग डेमोक्रेसी को, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सबसे छोटे बड़े, बूढ़े नौजवान, बच्चे, विद्यार्थी, सबको। आज ये बीजेपी की सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। आपके इनकम को डबल करने का उन्होंने कहा, नहीं किया। सात किसानों को एक होम मिनिस्टर के बच्चे ने जीप पीछे लेकर मार दिया, कुछ कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछता नहीं, चुप रख दिए वैसे ही ठंडे बस्ती में। उसी ढंग से आज इन्फ्लेशन इतना बड़ा, उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जिस देश में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, उसमें से 15 लाख नौकरियां गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड्स के बच्चों को नौकरियां मिलती है, लेकिन क्यों नहीं भर रहे आप? इसलिए कि अगर 15 लाख नौजवान लोग सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए तो उनको सशक्त, वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे और वो आगे आएंगे पढ़ लिख कर। लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार नहीं चाहती। 71,000 नौकरियों की एक चिट्ठी देके एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन 30 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर में से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक खाली है, क्यों नहीं कर रहे? तो यही है कि गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और चंद दोस्तों को अमीर बनाकर इस देश में फिर से आजादी से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, एक होकर काम करना भी है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहूंगा, जब तक हम एक होकर काम करते रहेंगे तब कोई पार्टी आपको हिला नहीं सकती। अगर आप कमजोर पड़े तो ही दूसरा उसका फायदा उठाएगा, अगर आप मजबूत रहेंगे कोई आपके नजदीक भी नहीं आए। तो इसलिए आप पार्टी को मजबूत रखिए और हम आपसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। तो यही बात मैं आपके सामने रख के मेरे चार शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान।